किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए उससे समय कैसे लेना है, वो बार बार हमारे जो लोग होते हैं इसी चीज़ पे फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, या फिर मुझे मिलने जाना है या उसे बुलाना है, तो कैसे बात करना है, ये एक कलाकारी है। और यदि इस चीज़ को यदि किसी व्यक्ति ने बढ़िया तरीके से सीख लिया तो उसके जो प्लान है और उसकी जो ज्वाइनिंग है वो लगातार ज़्यादा आ सकती है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम अजय चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आज इस सिस्टम के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर निकल के आती है कि किसी भी मूवी का ट्रेलर ये बताता है कि पिक्चर कितनी हिट होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से एक शानदार किया गया इन्विटेशन ये बताता है कि ज्वाइनिंग कितनी जल्दी होने वाली है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे होने वाला है, कैसे हमें बात करना है, कैसे बात नहीं करना है, क्यों बात करना है और क्या मूड है उसका, वो सारी चीज़ें हमें चेक कर लेना। यदि आपने चेक कर लिया, यदि आपने ये सारी चीज़ें देख लिया तो वहाँ पर आपका इन्विटेशन हिट होने वाला है। तो देखिए, आपको हमेशा अपने परिचित और जानकार लोगों को हमेशा फॉर्म फॉर्मूले से इनवाइट कीजिए या अपॉइंटमेंट लीजिए या समय लीजिए उसका। तो फॉर्म फॉर्मूला क्या है? फॉर्म मीन्स फॉर्म, यानी पहला वर्ड आता है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट ऑफ टाइम और मनी, एम फॉर मनी। तो आप उसके पास डायरेक्ट गए तो आप उसके बारे में फैमिली के बारे में चेक करिए कि कोई बीमार वगैरह तो नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, है ना। तो जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर आगे बढ़ जाना है और इनविटेशन वहाँ पर नहीं करना है, या कहा जाए तो समय वहाँ पर नहीं लेना है। तो जैसे आपने फैमिली के बारे में बात किया कि रमेश भाई और बताइए परिवार में सब कुछ बढ़िया है, और बताइए ऑक्यूपेशन यानी काम धंधे में और कैसा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर बताएगा बहुत बढ़िया है। और बताइए इस समय आप फ्री समय में क्या करते हैं, या कहा जाए तो संडे या मंडे जब भी आपकी छुट्टी रहती तो क्या करते, तो एक इस तरीके से पूछना है आपको। और एम फॉर यानी मौका यानी मनी, कि जो आप पैसा कमा रहे हो या जितना भी कमा रहे हो यार, इतने में गुजारा बसर चल जाता है कि नहीं चल जाता? तो वो बोलेगा नहीं, कहाँ इतना चल पाता है यार, इतनी कहा जाए तो महंगाई में कहाँ इतना हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलते हुए रैपो बिल्डिंग करना है हर व्यक्ति के साथ। देखो कहा जाए तो एक व्यवहारिक व्यक्ति से इस तरीके से यदि आप बात कर तो किसी भी, चाहे मामा हो, ताऊ हो, भाई हो या दोस्त हो, कोई भी हो, इस तरीके से आपको रैपो बिल्डिंग करना है। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ किस तरीके से आपको वहाँ पर बोलना है। तो देखिए, आपने वो सारी चीज़ें चेक कर लिया तो अब वहाँ पर एक नॉर्मल वे में जाना है कि और रमेश सर कैसे हैं, या रमेश भाई कैसे हैं, भैया बहन कैसे हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लगाना है। कैसे हो, मुझे आपसे ही बात करनी थी, कि ये पूछना था कि आप अपने घर का किराना या सामान कहाँ से मंगवाते हो। बोलेगा क्यों? तो बोलिए नहीं, ऐसे ही मैं पूछा क्योंकि एक मेरे मित्र हैं, वो मेरे को बता रहे थे कि यदि आप हमारे स्टोर से सामान आधार कार्ड से मंगवाते हैं तो आपको 10 से 20% तो छूट मिलेगी ही मिलेगी, साथ में क्या रहेगा उसमें आपको कुछ प्रतिशत सब्सिडी या कैशबैक के रूप में खाते में भी दिया जाएगा। तो रमेश भाई कहीं ना कहीं मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट, और कुछ पैसा मेरे खाते में आता भी है सब्सिडी के रूप में ऐसे। और वो बोल रहे थे कि यदि आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा सामान इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनको हमें ज़रूर मिलवाइए, यदि 2 पैसे अगले व्यक्ति के बच रहे हैं तो क्यों ना लोगों को बताया जाए। तो वो मेरे को पूछ रहे थे तो मैंने बताया था आपका नाम कि भैया हैं हमारे एक, तो यदि वो 1-2 दिन में यहाँ आने वाले हैं, जब भी आएंगे या कब आप मिल सकते हो मेरे को बताइए, जब भी वो आएंगे तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगा और आप मुलाकात ज़रूर उनसे कर लीजिए और समझ लीजिए। तो इस तरीके से इनविटेशन करना है, और इसकी सावधानियाँ क्या हैं वो चीज़ें आप देख लो, सावधानियाँ क्या क्या रखनी है बात में, वो क्या क्या प्रश्न कर सकता है कि सामान कहाँ से मिलेगा। तो सामान आपको आसपास के स्टोर में मिल जाएगा, हमारी कंपनी का स्टोर है, या होम डिलीवरी भी मिल जाएगा भैया, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं बताना, यदि पूछता है तो बोलना मार्केटिंग कंपनी है, यह बताएं तो जैसे आरसीएम का फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम है, तो ये बता सकते हैं। यहाँ कौन कौन ले रहा है आप बता सकते हो, उसको क्विकली बता सकते हो, शॉर्ट में बताइए कि कौन कौन ले रहा है, ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, ये भी सामान वगैरह इस्तेमाल कर रहा है। अगली बात क्या बताना है, वो बोलेगा कि मेरी तो दुकान बंद ही हुई है ना। तो आप बोलिए कि आपकी जो दुकान है वो बंद नहीं होगी, खुले सामान आपको वहाँ से कहीं ना कहीं लेते रहना पड़ेगा,
या अगली बात भी पूछ सकता है कि मेरा तो उधारी सिस्टम रहता है, तो बोलिए यहाँ भी उधारी का सिस्टम यह है कि आपके आपके व्यवहार और मालिक के व्यवहार, जो स्टोर का मालिक है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कैसे लेन देन करते हैं। और वैसे ये बोलते रहना, वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता, वो आएंगे तो बात करेंगे, इस तरीके की आपको बात बोलते रहना, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको ज़्यादा गहराई में जाने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल नहीं। और समय लेते हुए अपनी बात केवल और केवल 3 से 4 मिनट में समाप्त कर देनी है। ज़्यादा आप खींचेंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, जब हम प्लान दिखाएंगे तब वहाँ ज़्यादा बात करेंगे, आपका सीनियर आएगा तो आप उससे बात करेगा, गहराई में बात करेगा और समझाएगा वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना कमेंट छोड़ के जाइए।